हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल रॉयल कबीर। तो गाइज, आज हम आए हैं भोपाल से 20 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर फोर्ट में। जो ये जगह है, इस जगह का बोला जाता है इस्लाम नगर, और इस्लाम नगर में बना हुआ है एक फोर्ट जो कि भाई बहुत खूबसूरत फोर्ट है। मैंने ऐसा सुना हुआ है, अभी तक मैं अंदर जाके देखा नहीं है, और आज मैं पहली बार आया हूँ। और भाई मैंने यहाँ बहुत सुना हुआ है कि यहाँ भाई बहुत भूत प्रेत है। तो यार भाई, मुझे तो भाई इन बातों में बिलीव करता नहीं हूँ। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ का फोर्ट, और पहले लेते हैं पीछे से टिकट। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, यहाँ से हमको लेना पड़ता है टिकट, और ये रहा टिकट काउंटर, जो कि भाई इंडियन विजिटर्स के लिए 10 रुपये है टिकट यहाँ का, फॉरेन विजिटर के लिए 100 रुपये, फोटोग्राफी चार्ज 25 रुपये, और वीडियोग्राफी चार्ज 100 रुपये। तो चलो यार चलते हैं अंदर, तो चलो लेते हैं यहाँ से टिकट। ये भाई यहाँ का खुलने का समय है 10 से लेके 5 तक। चलो चलते हैं, देखते हैं अंदर, लेते हैं टिकट। सो गाइज, ये रहा पूरे हिस्ट्री का बोर्ड, जो कि भाई पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है इसमें फोर्ट की, तो आप देख सकते हैं। और भाई आप वीडियो पॉज करके देख लो, क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ। ये फोर्ट जो बना था 1720 में बना था। सो गाइज, ये रहा फोर्ट की एंट्री का गेट, जो कि भाई पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और करीब भाई 200 या 300 साल पुराना गेट है। और ये रही भाई गार्डन की एंट्री, जो कि रानी का गार्डन था ये। और भाई अभी हम यहाँ हैं चल के अंदर, वहाँ से हमने टिकट लिया था। तो गाइज़, ये रहा पूरा फोर्ट का सीन। तो चलो चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं, देखते हैं अंदर। चलो, ये पूरा गेट है फोर्ट के एंट्रेंस का, जो कि ये छोटा सा गेट है भाई, जहाँ से कोई भी छोटा आदमी घुस सकता था। और ये भाई बड़ा सा गेट है, और जो मेन जो ये दरवाज़ा है, ये भाई गेस्ट का पूरा एरिया है, जहाँ पूरे रानी के गेस्ट आते थे और यहीं स्टे करते थे वो लोग। देखिए, ये है पूरा अंदर का एरिया। हेलो, पूरा ऊपर तक है भाई। तो भाई यहाँ की देखभाल वाले ने बताया है, ये जो आम का पेड़ है, ये करीब 300 साल पुराना पेड़ है भाई, और ये रानी के द्वारा लगाया गया था, मतलब रानी ने लगाया था ये वाला पेड़, जो कि आज तक जिंदा है यार, देखो। और भाई जो ये जगह है, पूरी हिस्टोरिकल जगह है, और भाई मुगल्स के ज़माने की जगह है, तो पूरे मुगल स्ट्रक्चर्स ही बनाए हैं। सो गाइज, ये है रानी का पूरा गार्डन, जो कि भाई अभी तक मेंटेन्ड है पूरा। गाइज, ये है पूरे फोर्ट का कुआं, जो कि पुराने ज़माने में पूरे फोर्ट में पानी पहुंचाता था। और गाइज, यहाँ के देखभाल करने वाले ने मुझे बताया है कि इसका पानी ख़त्म हो चुका था, इसलिए इस कुएं को भर दिया था। तो चलो अब करते हैं फोर्ट के चमन महल के अंदर एंटर। और भाई यहाँ पूरा लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, और पूरा गवर्नमेंट के द्वारा लिखा गया है ये। गाइज, ये है पूरे फोर्ट का चमन महल, और यह है चमन महल की एंट्रेंस। चलो चलते हैं अंदर चमन महल में और देखते हैं। चलो, यहाँ शीश महल, चलो देखते हैं अंदर, चलते हैं शीश महल में, जो कि पूरा शीशे का महल है। चलो, ये है शीश महल के अंदर का एरिया, जो कि भाई ये छोटा सा रूम है, जिसमें भाई पूरी विंडोज़ लगी हुई हैं, ग्लास फिटेड है इसमें, और ये करीब भाई 200 साल पुराना है गाइस। और उस टाइम भाई इसको बहुत रेयर माना जाता था, क्योंकि उस टाइम ग्लास भी बहुत रेयर होता था। तो आप देख सकते हैं, बाकी भाई ऊपर कुछ भी नहीं है गाइज। मेरे पीछे का जो ये गेट है मेन चमन महल के बाहर का,
और यहाँ से भाई पूरे गेस्ट को विज़िट किया जाता था अपनी रानी के सामने आने के लिए, और रानी के सामने पेश किया जाता था। यहाँ पूरे जितने भी गेस्ट होते थे यहीं से आते थे वो लोग और यहीं से विज़िट करते थे। तो भाई ये है पीछे मेरे रानी का पूरा एरिया जहाँ रानी रहती थी। और गाइज यार ये तो बहुत बड़ा एरिया देख सकते हैं आप, और बीच में है पूरा फाउंटेन। चलो देखते हैं। सो गाइज ये है पूरा फाउंटेन एरिया, भाई उस ज़माने में क्या खूबसूरत लगता होगा। और बाकी देखिए यहाँ भी पूरा फाउंटेन था देखिए, और ये एक और एंट्रेंस थी जो कि फोर्ट के बाहर से एंट्रेंस थी, और जो ये एंट्रेंस थी वो विज़िटर्स के लिए एंट्रेंस थी जो कि गेस्ट होते थे कि उनको यहाँ से लाया जाता था, और फोर्ट के बाहर से यहाँ से एंट्रेंस की जाती थी। सो गाइज इसी एरिया में बैठती थी रानी, पूरा यही था रानी का एरिया। और ये रहा रानी का रूम जो कि भाई अभी बंद है, अंदर जाना मना है रूम में। तो भाई ये है रानी के रूम के पीछे का पूरा एरिया, और ये है भाई बालकनी पूरी जो कि पूरी रानी अपनी प्रजा को देख सकती थी पीछे से। और पीछे है पूरे खेत और घर, पूरा मतलब यहाँ पूरा गाँव है जहाँ से पूरा रानी देखती थी, देख सकते हैं आप। और यहाँ पीछे से बहती है एक नदी जिसको बोलते हैं हलाली नदी। तो ये है भाई बालकनी से व्यू, और ये बह रही है नदी। रानी के ये रहे रूम्स जो कि भाई यार अभी पूरे लॉक पड़े हैं, और ये करीब 50 साल से खोले ही नहीं है। और हर रूम के सामने भाई एक फाउंटेन है, आप देख सकते हैं अभी सूख चुके हैं फाउंटेन। और ये रहे पूरे मशाल रखने की जगह है। सो गाइज ये रही फोर्ट की आटा चक्की, आप देख सकते हैं ये पूरे फोर्ट की आटा चक्की थी। और ये रहे मेरे पीछे पूरी तिजोरी है, लॉकर हैं जहाँ पूरे रानी का पूरा सामान, कीमती सामान रखा जाता था। और इसके अंदर से गार्ड ने बताया है कि इसके अंदर से बहुत चीज़ें निकली हैं जो कि सब गवर्नमेंट लॉकर की हो गई हैं। और भाई देख सकते हैं कितनी हैं, बहुत सारी तिजोरी हैं, तो आप देख सकते हैं गाइज। और ये अब 50 साल पहले निकली थी, देख सकते हैं भाई आप कितने सालों से अंदर थी और ये अंदर छुपी हुई। यहाँ अब अपने ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर भाई ब्लॉग अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल के लिए ऐसी वीडियोस के लिए भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।